आप बजो आप बजो बजा कती खुश है ये और करो अब 15-20 साल बाद ये अपने वीडियो साल ने फिर करया देंगे देंगे अपने घर वाले दिखाए मुझ ना चोरा मुझ क्या खाया भाई जब मॉर्निंग में 3 रोटी और दिन में सैलेड मतलब खा भी लाग मैंने ये तो सैलेड गुण में ना दे मैं बोल सैलेड सैलेड नमक आलू और इसी दिन का पहला आलू टेस्ट करके बता बड़ी हम काफल लागे नमक लगा गुण अमेर मर्जी एंग बैंग डैंग जन कर तो यार दोस्तों कौन तक पलटी थी मैं चाहिए ये पकौड़ कहाँ गए रे पकौड़ी देना क्या थक क्यों रहे से यार पलियो पलियो लुमरा में गुड मॉर्निंग है दोस्तों नए दिन की नई सुबह की नई शुरुआत में आप सभी का स्वागत है पहाड़ में खिलती के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद धूप क्या नहीं खिला लिया तो लेट उठ रही मैं भाई साहब कल तो यार अल्मोड़ा जाके एग्जाम देके गए आए वापस आए तो काफ़ी किए गए मेरे ख्वाब काफ़ी ज़्यादा थक गए थे मैं कि यार एक ये लगा रहा दिमाग खराब रोज मैं जिस सामान भेजे दूँ और तेरी बेटी का कौन से ये मेरी बेटी का मेरा बेटे का पूरा घर है और दूसरी बेटी को क्या भेजा काफल और दही मैं घर वाली ऊपर काफल भेजने से तूने घर वाली बताई नहीं है कैसे भेजूं सरप्राइज बता भेज दूंगी किसकी वही बता दे बता ले लब कभी तो बताएगी उसको देखा तो ऐसा देखा क्या देखा है दिशा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने मालकुड़ी आरू खा रहे आरू लुक लुक तो ये हमारी चाची आ काफी दूधी को मेरी चाची आज तो दिन बटे ये गाना गा दो नारिंग की दानी हो ये चाची को पहचानते नहीं आप अगर पहचान दो कमेंट सेक्शन में बोलो एक वो चाची से जब दिन कहीं आ जाए रुकना है मेरे को पता है यार बिगाड़ है वीडियो तो यार एक तो दे नित्या ले रो क्यों रही है फिर इसको भी पकड़ ना एक खा रहा हूँ पहले रुको नमक आलू और इसी दिन का पहला आलू टेस्ट करके बता तमरा दांत नहीं बैगे खादा इस सीजन का पहला फल आड़ू खा लिया काफल कल खाए थे अब आम हलवा आम ले देखो तमन बाकी यार ये ऊपर वाले देखो हल्द्वानी रहते हैं लोग हल्द्वानी में अपना प्लॉट अपना घर यह है भाई बुए भेजना फिर आए भाई कैट भेजना अब देखो घर आगे भी कहीं पीछे नहीं है देखो इतने सबसे ज्यादा गेहूं निकले होंगे इस बार इस सीजन में हल्द्वानी भी घर भी गलतियां निकालती है तो बल्तीर में जो प्लाइन की तरह है ना माइनस में भी नहीं है क्योंकि जितने भी लोग हैं चाची लोग हैं हल्द्वानी रहते हैं तो ये सीजन टाइम में घर आते हैं खेती करके जाते हैं फिर वहां से फोन कर बैर कटवा ले हलन पैश और घर आगे मतलब पूरी अपनी जो खेत है वो भी बंजर नहीं छोड़े ये घर का गांव का गांव है खा पने रखो दे 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 तो अलमिया दोस्तों मैं चलता हूँ हल्की फिर मिलता हूँ तब तक नहीं थी बाय बाय टेक ये वही कि नाती खाब के रे ये वही दंगे अबे नंगे दंगे दंगे और कर दो दंगे 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 दंगे
यही कर सकता है तू बस। और करो तो 15-20 साल बाद अपने वीडियो चाल ने फिर कर देंगे देंगे अपने घर वाले दिखाए। बाप रे बिल्ली तो स्कूटी मार न लो क्या तब से नहीं लाया क्या चिट तो आज ये रान बता दी बस। ओहो चलो मैं ले आऊंगा अभी ठीक है ओके नहीं नहीं ले आऊंगा बार बार कहना पड़ता है देंगे। तो यार दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं दुकान पे पूरी थलकी बाजार बंद है यार पूरी। बाकी यार अगल बगल कोई होटल होटल ना खुला है साले कुछ पीने देखो बस ये है हमें के नहीं होते भाई दोनों कमरे में जा चाह बनाए बोलो। ये कौन सी बात है जो तुमने सुबह चाय नहीं पी तो खतरनाक है ना दुकान में रोज चाह पी चाह बनाओ बोल दूध ही नहीं है बोल फिर को चाह बनाओ जान लो बस सच में महल का है तू ला गई। तो यार दोस्तों बिल्कुल मतलब ताजो पानी पीने मतलब दर बटे उमरा पाइप में मतलब ऐसा भी नहीं है कि मिलावट वाला है। अब खाऊंगा वाला यहाँ पे पलियो भात पकौड़ वाला हा मुझे भी पता है इतना मेरे को नहीं क्या स्टैंड जब हमारी गाड़ी में बैठते है। अरे तेरा वेट नहीं सही क्या तेरा वेट क्या होता है मैं नाच गया आदमी तो झिकझन बोला ना क्या बना। अरे यार तो बीड़ी शादी यार जाए ते साल खराब कर देना मेरे कंटे यार मैं आप डे है फिर ले घर काम धाम नहीं भेजो मर के घर है रोने आज तो मैं तो ऐसा ही हुआ। चलो आप लोग यार परिवार वाले हो बीबी बच्चे ये पकौड़ कहाँ गए रे पकौड़ ही देना क्या थक क्यों रहे से यार पलियो पलियो लूम रहा मैं ये तारीफ है ना तारीफ ये मस्त तो रहे बिल्कुल बिल्कुल कमीशन यार दोस्तों जिंदगी यूज हो यार को तो खुश है मेहमान गाड़ी कुकर वाली गाड़ी हाथ में कोल्ड की हो दाजू को तो खुश है। तो यार दोस्तों यार बड़ी दुख की बात है मेरे को हंसी क्यों आ रही होगी पागल टाइप तो हमारे गांव में आग लगी तुम हंस रहे हो। दरअसल क्या हुआ मॉर्निंग पे मेरी मम्मी खेत में गई तो अपन वाल नलों में आग लगाई नहीं उस शिलकी भाई दुआ ना गाड़ में लेने क्यों वो तो गांव के 5-10 लोग दौड़ दौड़ के आए तो मतलब जैसे तैसे आग बुझा दी अब मम्मी घर आए रही काफरी ने मतलब डरना और ये भी काफरी रखे हैं सच में तो लेकिन आग लग चुकी है हंसते नहीं है जब सीरियस बात होती है। भाई चलो बढ़िया भाई लोग भी मिल गए खिलाने की इतनी भीषण गर्मी हो रही है उसके बीच में आगे काफल आए तो यार दोस्तों जिंदगी एक बार मिलती है दुनिया की फालतू नहीं सुननी जो मन करता हो करो बढ़िया हम काफल लागे नमक लगा खून अमेर मर्जी एंग बैंग डैंग जन कर ये ओहो हो तो यार हमारे सूजी भाई यार पहली बड़े विचार काल से बीमार है मेरे जात का ले गए हो लेकिन देखो यार सूजी को देखा होगा कितना कमजोर हो गए पानी पीने वाले है ये भाई ये वही है जो मेरे यूट्यूब के फ्रंट में धारे हो पानी पीता इधर पानी भी पानी भरी गई बल बदर कमजोर हो गया आजकल क्या हो गया अच्छा यहाँ से काला अर्थ आया है तो तू गो रही यो आप तू काल किसके उम्र काल में बिटोल जो काफल लाए वहां पर। तो यार दोस्तों कौन तक पलटी थी मैं चाहिए तो कॉलेज के यार रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो यार दोस्तों खाना खाने के लिए फाइनली हम आ चुके हैं जीजाजी के होटल में और जब किस्मत खराब हो ना दो चार लोग और मिल जाते हैं साथ में बढ़िया 50 में खाना खा लेता है पेपर भी किताब भी हरदा यो पहाड़ी में आवाज लगाने का तरीका प्लेन्स में कैसे बोलता हे हेलो कैसे है हरदा अभी यार एक भाई हमारी दुकान में आया
कि बल्ले लाए फिर जड़ी अमन मतलब इस होगी कोई बाहर का आदमी आजकल ना चलता है आजकल ना मैंने डाइटिंग शुरू की है टोन चावा क्या खाया कोई बस मॉर्निंग में 3 रोटी और दिन में सैलेड मतलब खा भी इस लागू ये तो सैलेड गुण में ना जब मैं बोलूँ सैलेड सैलेड मतलब इस नोटिंग क्या करने वाले भाई चुपचाप क्लास को पहाड़ी से तू तेरा मुख लाग से दूर क्यों थे कहते सैलेड बदर बैठ गया अभी आएगा दिखा दो दिख जाए चलो मैं चलना बाय मुझ नो ना चोरा मुझ ये बात सैलेड कहते सैलेड का सैलेड अब आएगा शर्म हमारे सामने मत बोला करो भी साफ बात है ये हो या कोई भी हो जा सोच मोड़ो ने सैलेड के अब आम दिले सैलेड को ले घर मामा सैलेड जी हमें जो खा कर खा जी लगे भूख लग गई अब तो खाना पड़ल के नगे नहीं आता बर्दाश्त निकल के डाइटिंग 2 दिन में कि करने को बहुत कुछ है नहीं दुकान पे तो रहता है नहीं तो क्यों रहूं फिर मैं दुकान में क्यों नहीं रहने ये तो है तू नहीं रहना मैं क्यों रहूं वो तभी तो आई है नहीं रहता दुकान में बड़ा हैरान तो अगर जो लोग मेरे से बोलते हैं यार कि आप दुकान में रहते रेगुलर ये हमारी साइड बाय ऑप्शनल चीज़ें हैं हमारी मेन चीज़ अभी पढ़ाई और वहाँ से यूट्यूब वहाँ से रेड क्रॉस वहाँ से वहाँ कैपू यहाँ से कैपू ठीक है बता भाई ये एडिशनल अरे हमारे लोग हैं वो मेरा परिवार है 30,000 लोग जो हैं तुम्हारी तरह नहीं करते हम पर आया सबके में जो है मेरे लोग हैं वो पता होना जी उनको सॉरी आज को झंड कर दिया इसी लाइक मैं बाय गॉड मैं ना कर रहा हूँ का झंडे मुगला है बस सैलेड वाल मैं रात कसके पसंद फिर किशन वाले को ले भेजा चल मेरा फोन आ रहा है ये बेइज्जती रोकने के लिए आ बुझो कति खुश है यो एक बार बुझो आ बुझ अरे मैं लोग पुलिस वाले क्या बोलू मान तब बड़े पगली गई मैं देखा तो भाई था यार ये भी टैलेंट वाल किसी ने बोला होता है ये हमारे चाचा है जिनका होटल है देखो घर वाले पलटी में सामान सीटी ऐसी ना पुलिस वाले की तरह गाली कर दिया चाय भी जाला पे बैठ यार हमारे ओगरा के भाई लोग अब भी यार ओगरा वाली गाड़ी देखिए सोच ही रहा था वो ओगरा वाली मिल जाए और भाई लोग देखिए है मुकेश मेहता जी उपाध्यक्ष और भाई हमारे तो यार दोस्तों भले हम जहाँ भी हो कहीं भी हो कोई कैसा है कितना ही सुंदर हो कसो मदर टंग तो निकली जाती है मैं आइसक्रीम लाई कितने की है 60 रुपी बबरे बोल देखो ना वो बाबा हो वो बाबा वो ईजा वो मम्मी बबरे तो अगर आपने कभी वर्ड बोले बापरे वाले टाइप के तो कमेंट सेक्शन में बताओ बोला नहीं बोला बढ़िया बाबरे तो डरो ऐसे मिला दे मेरा डरा दिया है तूने तो अभी मिलते हैं फिर ठीक मेल जाओ को बबरे बबरे इतनी बढ़िया आइसक्रीम तो अभी समय हो चुके शाम के लगभग 5:15 और मैं जा रहा हूँ हल्की बाजार की ओर क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही ब्लॉग अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रही मोबाइल डाटा से तो मैं जा रहा हूँ बाजार की ओर तो दिन भर साल में लाइट भी थी जिस वजह से वाईफाई भी मेरा काम नहीं कर पाया और घर आया मुझे लगा कि मोबाइल के नेट से मैं ब्लॉग अपलोड कर लूँगा लेकिन ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाया और टाइम भी ओवर हो गया अभी तो मैं फिर से आ रहा हूँ हल्की ओर बाकी यार कितना बेहतरीन सनसेट का नज़ारा तो भाई चल जाते हैं ब्लॉग वगैरह अपलोड करते हैं फिर मिलते हैं आप सभी को बने रहिए बाय बाय टेक केयर वाह जाते वक्त भी मम्मी माता जी मिले अभी दोबारा मिल गई कहाँ क्या भूत है वो डायनोज मैचिंग है उस पर वो बिंदी पहन बजा के कह दो यार अच्छे बैठना